आंगन बुहारे तो जमीला, पानी भरे तो जमीला, खाना पकाए तो जमीला, पल में इधर पल में उधर, दिन भर बिजली सी दौड़ती फिरती है जमीला। गांव का दुख जमीला का दुख बन जाता और गांव का सुख उसका अपना सुख। जमीला का गांव है कैथून, कोटा से 15 किलोमीटर दूर। बुनकरों का मोहल्ला, कच्चे पक्के मकान, सकरी सी गली, इसी में रहती है जमीला। जमीला काम को इबादत मानती है, उसे पूरी सूझबूझ से करती है, पूरे परिवार का पेट पालती है, पति का इलाज कराती है, थोड़ा थोड़ा कर कर्जा भी चुकाती है। कहती है, पल पल काम करूंगी, कर्जे का पाई पाई चुकाऊंगी। जमीला का पीहर भरा पूरा है, 100 सवा 100 बीघा जमीन है, खूब पैसा है। जमीला चाहे तो पीहर से पैसा ले आए, पर उसका मन नहीं करता। उसे अपने हाथों पर भरोसा है, वो अपने पैरों पर खड़ा होना जानती है, ऐसी है जमीला। दूसरों के लिए अगर कहीं कुछ लिखना है तो ऐसा लिखना है जैसे कि चौपाल पर बैठ करके, रात को अलाव के सामने बैठ करके और बतियाते हैं, उस भाषा का अच्छा इसमें कुछ अगर आएगा तो ज्यादा प्रभावी होगा। इसमें अगर कहीं कुछ थोड़ा सा एकाध जगह ऐसे इसमें मोड है जहाँ कुछ वार्तालाप दिया जा सकता, कथोपकथन आ सकते हैं। कथोपकथन आने से क्या होता है कि इसमें मार्मिकता बढ़ जाती। गांव की एक साधारण लड़की का रेखा चित्र खींचती ये कहानी और उस पर टीका टिप्पणी किसी साहित्यिक चर्चा का अंग नहीं। यहाँ प्रदेश के जाने माने लेखक और साहित्यकार उपस्थित हैं, पर ये साहित्यिक गोष्ठी नहीं, ये रचना स्वांतः सुखाय नहीं। यहाँ एकत्र ये लेखक मात्र लेखक नहीं, ये सिपाही हैं एक अभियान के, ये कारीगर हैं, ये नए नए हथियार गढ़ रहे हैं, उन पर धार रख रहे हैं, उन लाखों लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ना लिखना हाल ही में सीखा है और जो अब अपने चारों ओर के परिवेश को अधिक जानना चाह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के हुनर का इस्तेमाल कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाह रहे हैं। स्थान: राज्य संसाधन केंद्र जयपुर, राजस्थान में सतत शिक्षा कार्यक्रम को रास्ता दिखाता एक प्रमुख उपकरण। ये केंद्र नव साक्षरों के लिए पठन पाठन सामग्री का विकास और निर्माण करता है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करता है और समय समय पर प्रगति का मूल्यांकन करता है। जितना भी एकेडमिक काम है, चाहे वो ट्रेनिंग का हो, चाहे वो रिसर्च का हो, चाहे वो मटेरियल डेवलपमेंट का हो, मीडिया का हो, या और भी जितनी गतिविधियां हैं, उसमें अकादमिक सहयोग राज्य संदर्भ केंद्र का ही होता है। क्योंकि राज्य संदर्भ केंद्र, हमारा जयपुर राज्य संदर्भ केंद्र पिछले 24 वर्षों से कार्यरत है, तो हमें मालूम है कि हमारी फील्ड में क्या आवश्यकताएँ हैं, उनकी पूर्ति कैसे की जा सकती है। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स हैं, सतत शिक्षा की विभिन्न पुस्तकें हैं या अन्य मटेरियल है, उस सब का निर्माण हम करते हैं, उस पर ट्रेनिंग देते हैं और उसको क्षेत्र में प्रयुक्त करते हैं। देश के पश्चिम में स्थित एक सीमावर्ती प्रदेश, सदा की तरह हमेशा सजग, हमेशा सतर्क, वीरों के शौर्यपूर्ण इतिहास की थाती समेटे संस्कृति और सभ्यता की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाता। दूर दूर तक फैले रेगिस्तान में चटकीले इंद्रधनुषीय रंगों की छटा बिखेरता राजस्थान। अजमेर राजस्थान का एक प्रमुख जिला, विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों का संगम ऐतिहासिक अजमेर। आबादी लगभग 17 लाख, इसमें लगभग 65% से अधिक निरक्षर, अनपढ़ महिलाओं की संख्या और भी अधिक। गुजर बसर का प्रमुख साधन खेती, शहरों में कुछ उद्योग धंधे। साक्षरता अभियान के पहले 2 चरणों के दौरान अपने निरक्षरों को साक्षर बनाकर अजमेर राजस्थान में सबसे आगे रहा। सतत शिक्षा कार्यक्रम एक प्रकार से पूर्ण साक्षरता
और उत्तर साक्षरता अभियान का अगला कदम था। इसके उद्देश्य अधिक व्यापक थे। पढ़ने लिखने का कौशल प्राप्त करने के बाद नव साक्षरों में जो नई आकांक्षाएं जगी थी उनको इसके माध्यम से पूरा करना था। नव साक्षरों को साक्षरता से होने वाले ठोस लाभ दिलाना था, उनको उनके अधिकारों के प्रति सजग करना था, उनको उनके कर्तव्यों का ज्ञान कराना था, इनका समग्र विकास करने की परिस्थितियां पैदा करना था। युगों से व्याप्त अंधेरों को चीरती साक्षरता की मशाल को जलाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत थी, सतत शिक्षा की आवश्यकता थी, एक ऐसी कार्यविधि का विकास करना और उसे लागू करना जरूरी था जो नव साक्षरों की दिलचस्पी को बनाए रख सके और उनको सामर्थ्य प्रदान कर सके। मनुष्य के जीवन को केवल एक टुकड़ों में बांट करके नहीं देखा जाना चाहिए। केवल साक्षरता के लिए साक्षर कोई व्यक्ति हो यह बात बहुत अधिक समय तक नहीं चल सकती। थोड़े समय तक हम कह सकते हैं कि साक्षर हुई है, लेकिन साक्षरता के बाद क्या, सबसे बड़ा प्रश्न यह है। जहाँ जहाँ भी हमने अनुभव किया कि साक्षरता को जीवन के विकास से जोड़ा गया या उसके जीवन के स्तर को सुधारने से जोड़ा गया, कौशल विकास से जोड़ा गया, उसके जो कामकाज के तरीके हैं जहाँ भी वो है काम कर रहा है उसको तरक्की के साथ अगर इसको जोड़ा गया तो उसने अधिक रुचि ली। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए कि साक्षरता एक कोरी साक्षरता ना हो, अक्षर और अंक ज्ञान ना हो, बल्कि इसके माध्यम से अपने जीवन के विभिन्न कार्य जो कर रहा है, चाहे वो किसान है, दुकानदार है, मजदूर है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, अगर अपने काम को बेहतर कर सके, पहले से अधिक अच्छा कर सके, उसके लिए किसी न किसी प्रकार की कौशल विकास की आवश्यकता होती है। इसी कौशल विकास को ही हम वोकेशनल ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, जो व्यावसायिक दक्षता में जो वृद्धि करने के जो कार्यक्रम है। और यह इसका उद्देश्य यह है कि व्यक्ति पहले साक्षर बने, साक्षर बनकर के जो योग्यता उसने अर्जित की है उस योग्यता का उपयोग अपने कौशल विकास में वो करे ताकि उसके जीवन को बेहतर किया जा सके। अजमेर में साक्षरता अभियान के प्रथम दोनों चरणों को लागू करने में भारी सफलता प्राप्त की थी, लेकिन अब सतत शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए ये महसूस किया गया कि इस काम को व्यापक आधार दिया जाना चाहिए। अतः इसमें विभिन्न स्तरों पर स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। सतत शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ उसके पहले शैक्षिक संस्थाओं की बहुत निर्णय लेने में भागीदारी का अभाव रहा, ये बात माननी चाहिए हमें, और उसमें मुख्य रूप से जिला कलेक्टर पर केंद्रित उसके इर्द गिर्द कार्यक्रम बहुत जगहों पर चला और उसमें लोगों ने जुड़ाव जरूर हुआ लेकिन मुख्य भूमिका उसमें जिला कलेक्टर की हुआ करती थी। अब ये स्थिति सतत शिक्षा के अंतर्गत आती है कि हम कुछ क्षेत्र विशेष जहाँ स्वयंसेवी शैक्षिक संस्था का की अस्तित्व है वहाँ पर अच्छा काम वो पहले से कर रहे हैं तो पूरा का पूरा क्षेत्र वहाँ सौंप दिया गया है उनको, और न केवल जिम्मेदारी के साथ बल्कि अधिकार भी उनको हों, वित्तीय अधिकार भी उनको हों, धनराशि भी उनको हस्तांतरित कर दी गई कि एक निश्चित क्षेत्र में अपना कार्यक्रम चलाएं और बिल्कुल स्वतंत्र रूप से एक मुख्य रूप से जो वृहद मापदंड हैं उनके आधार पर संस्थाओं, जैसे अजमेर की बात लें तो अजमेर में वहाँ जो स्थानीय संस्थाएं हैं स्वैच्छिक संस्थाएं उन्हें कुछ केंद्र उन्हें ही सौंप दिए गए, उसका पैसा भी उन्हें सौंप दिया गया कि वो केंद्र में प्रेरकों का चयन करें उसको चलाएं। स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ने तथा कार्यक्रमों में उनको भागीदार बनाने की रणनीति को लागू किए अभी अधिक समय नहीं हुआ, पर इसके परिणाम सामने आने लगे हैं। हमारे यहाँ 4 NGO हैं, गरीब नवाज है, प्रौढ़ शिक्षा समिति है, 2 और हैं जो कि 40 केंद्र चला रहे हैं हमारे शहर में, और हमने उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग से जोड़ा है जिससे उन्हें व्यवसाय में कैसे मदद मिल सके इसमें उनका जो है सहयोग रहता है, और व्यवसाय के लिए हमने उसको सोशल वेलफेयर श्रमिक विद्यापीठ से और भी जोड़ा हुआ है। तो बढ़िया, इनका बहुत ही सराहनीय योगदान है और इसका फैलाव अजमेर रूरल क्षेत्र में कैसे बढ़े इसके लिए निरंतर वो अग्रसर रहते हैं। अजमेर में सतत शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर 1997 में हुई। इसके लिए पूरे जिले में 970 सतत शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए। जाहिर है इनमें बहुमत ग्रामीण केंद्रों का है। केंद्रों के आधार को अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से इनमें जनता की निर्वाचित संस्थाओं को जोड़ा गया और उन्हें अनेक अधिकार दिए गए। ग्राम स्तर पर
सतत शिक्षा केंद्र स्थापित कर रखे हैं, जहाँ जहाँ पंचायत मुख्यावास है वहाँ सरपंच उसका अध्यक्ष है, और जहाँ पंचायत मुख्यावास नहीं है वहाँ वार्ड पंच या अन्य कोई जनप्रतिनिधि जो है पंचायत का वो उसका अध्यक्ष है। तो जो सतत शिक्षा केंद्र ग्राम स्तर पर जो चल रहे हैं उसका पूरा उत्तरदायित्व हमने पंचायतों पर दे रखा है, वो उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेटर है, सरपंच या उनके जो वार्ड पंच है उन्हीं के निर्देश में वो सतत शिक्षा केंद्र चल रहे हैं, और वो जैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं वहाँ के माहौल के हिसाब से उस प्रकार की गतिविधियाँ का आयोजन उन केंद्रों पर किया जा रहा है। इसी प्रकार की अन्य सांगठनिक तैयारियों के साथ ये भी स्पष्ट किया गया कि अजमेर की सामाजिक आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों में किस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। साक्षरता केवल अक्षर ज्ञान से ही ना जोड़ी जाए बल्कि इसके और प्रभावी उपयोग क्या हो सकते हैं, इसके लिए हमने ये सोचा है कि इस साक्षरता केंद्र जो सतत शिक्षा केंद्र हमने जो खोले हैं इसमें एक ऐसी टास्क फोर्स के को बना ऐसी बना दी जाए जिसमें हम कन्वर्जेंस ऑफ सर्विसेज एक मुद्दा बनाएं, जिसमें अक्षर ज्ञान के अलावा जो और ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि ग्राम स्तर पर जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि हेल्थ है, एजुकेशन के अलावा हेल्थ है, सैनिटेशन है, या ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती हैं जिससे कि ग्रामीण जनता को लाभ सीधे सीधे पहुंचता है, उसकी जानकारी देना। ऐसे ही हर सतत शिक्षा केंद्र में ओल्ड एज पेंशन के फॉर्म्स, विडो पेंशन के फॉर्म्स, और जो अपनी ग्रामीण योजनाएँ हैं जो लोन से संबंधित हैं उनके फॉर्म्स, रेवेन्यू से संबंधित जमाबंदी की नकलें, ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई जाए जिससे जो ग्रामीण जनता है उसको जिला मुख्यालय पे या तहसील मुख्यालय पे नहीं जाना पड़े और सतत शिक्षा केंद्र के माध्यम से उनको सीधे सीधे जानकारी मिले जिससे उन्हें बहुत ही सुविधा लाभ मिलने में प्राप्त हो। साक्षरता का वातावरण बनाए रखने के लिए तथा ज्ञान के प्रति लोगों की जिज्ञासा की पूर्ति के लिए प्रत्येक केंद्र पर एक पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना की गई। इसके लिए विभिन्न विषयों पर लगभग 400 पुस्तकों के अलावा नियमित रूप से 2 से 3 समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। गांव के लोगों को जोड़ने के लिए इन केंद्रों पर मनोरंजन के साधन कैरम, शतरंज आदि भी जुटाए गए। इसके अलावा जिला साक्षरता समिति केंद्रों पर जरूरत की अन्य चीजों को भी उपलब्ध कराता है। सतत शिक्षा के केंद्रों विशेषतया ग्रामीण केंद्रों पर एक नया प्रयोग किया जा रहा है जो अपने आप में अनूठा और बेहद उपयोगी है। यहाँ ग्राम वासियों को वे तमाम सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जिनकी उनको आमतौर पर जरूरत पड़ती है। प्रत्येक केंद्र पर जो कि जिले के प्रत्येक गांव में हमने प्रारंभ किए हुए हैं उस पर हमने उनकी बैठक व्यवस्था के लिए इंतजाम किए हैं, जहां दरी पट्टी है बैठने के लिए, और इसके अतिरिक्त हमने पठन पाठन सामग्री के लिए लगभग 400 पुस्तकें प्रत्येक केंद्र पर उपलब्ध कराई है, 2 समाचार पत्र उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा मनोरंजन के जितने भी साधन हो सकते हैं एक गांव में कि उसके लिए चेस है, कैरम बोर्ड है, चाइना चेकर है, और खेल संबंधी उपकरण हैं जैसे वॉलीबॉल विद नेट है, रस्सी कूदने के लिए हैं, इस प्रकार हमने सारे उपलब्ध कराए हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो केंद्र है एक सूचना केंद्र बने गांव वालों के लिए, वहां पर हमने सारी ऐसे रिकॉर्ड्स उपलब्ध कराए हैं जैसे जमाबंदी की नकल है, राशन कार्ड की सूची है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की सूची है। इसके अतिरिक्त जो वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या विकास की विभिन्न विभागों की जो विकास की योजनाएं हैं उनके लिए कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं वो सारे भी हमने अपने केंद्र पर उपलब्ध कराए हैं, जिससे कि हमारे नवसाक्षर हैं या ग्रामीण और भी व्यक्ति जो फायदा उठाना चाहते हैं वो वहां से प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूर दराज के गांवों में लोग केंद्र पर बैठकर अखबार लाने वाली बस के आने का इंतजार करते हैं।
पढ़ने लिखने का हुनर हासिल करने के बाद आम लोगों में अपने प्रदेश और देश विदेश की खबरें जानने की इच्छा बेहद बढ़ गई है। शहरी क्षेत्रों में स्थित कुछ केंद्रों पर हिंदी के साथ साथ उर्दू की पढ़ाई कराने और उर्दू की पत्रिकाएं इत्यादि उपलब्ध कराने की भी मांग की जा रही है। हमारी जो महिलाएं अब कुछ पढ़ लिख गई हैं तो वो कुछ मैगजीन चाहती हैं, जैसे औरतों की मैगजीन है मनोरमा, कोई ग्रह शोभा, तो हम ये चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा ये भी आने लगे तो बहुत अच्छा हमको लगेगा। और उर्दू की किताबें यहाँ की महिलाएं बहुत ज्यादा चाहती हैं, तो उर्दू की भी एक आध कोई मैगजीन यहाँ करवाई जाए शुरू, और कुछ किताबें और भी अच्छी दी जाए। सतत शिक्षा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग लोगों को इस प्रकार के प्रशिक्षण देना है जो उनकी रुचि और आवश्यकता से मेल खाते हों तथा जिनसे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। इसमें इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि प्रशिक्षण के बाद या इसके साथ साथ सतत शिक्षा से जुड़े लोगों, खास तौर पर महिलाओं के लिए आमदनी का जरिया खुल सके। सतत शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम महिलाओं को पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सिखाते हैं, जैसे उनको रोजगार से जोड़ने के लिए, उनकी आय वृद्धि करने के लिए हम वो काम सिखाते हैं, जैसे आरी तारी है, कुरेशिया है। ये काम हम इसलिए सिखाते हैं क्योंकि ये मार्केट है इसका, यहाँ मार्केट से वो जुड़ती हैं। जब कुरेशिया काम यहाँ सीखती हैं तो टोपियाँ बनाती हैं, टोपियाँ यहाँ पर दरगाह बाजार और नला बाजार में कई दुकानें हैं जहाँ से वो लोग ला ला के काम करती हैं और अपनी आय वृद्धि में इजाफा करती हैं। उसके अंदर वो जो उनको आय मिलती है तो उससे हम लोग काफी उसमें हम लोगों को, इन महिलाओं को फायदा होता है। इसी तरह से आरी तारी का काम जब ये लोग करती हैं, क्योंकि यहाँ पर आरी तारी का काम बहुत ही मशहूर है और कई जगह से बलने के लिए आता है, या कई कारखाने भी खुले हुए हैं तो वहाँ से वो लोग काम देते हैं हमारी पढ़ी लिखी महिलाओं को, जो नव साक्षर महिलाएं हैं। नव साक्षरों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने में स्वयं सेवी संगठन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। सतत शिक्षा के अलावा जैसा मैंने आपको भी बताया कि वोकेशनल ट्रेनिंग में वो हमारी मदद कर रहे हैं। इससे स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ ट्रेनिंग रहती है जिससे कि जो न्यू लिटरेट्स हैं वो अपने लिए व्यवसाय कैसे चुन सकें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब में हमारी मदद करते हैं, जैसे गांव में उसको जो उसकी फेल्ट नीड है या नीड बेस्ड उसकी जॉब क्या हो सकता है और उसके लिए मार्केट अवेलेबल है नहीं है, तरह की स्पेशलाइज्ड फील है, क्योंकि अगर गलत व्यवसाय दे दिया तो वो काफी शुरू से ही डिमोरलाइज हो जाएगा और आगे पनपने में उसको काफी कठिनाई होगी। तो हम इन चीजों में अपने स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद लेते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर वो अपने ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के अनुसार उनकी नीड आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से श्रमिक विद्यापीठ के साथ जाके बातचीत करके तालमेल बिठाकर उनको जॉब ढूंढने में मदद करते हैं। ये केंद्र केवल उनके लिए ही नहीं है जिन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया है, इनमें उन सभी को अक्षर ज्ञान कराया जाता है जो साक्षरता अभियान के दौरान छूट गए थे। इन केंद्रों पर नव साक्षरों और औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं करने वालों को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी जा रही है। हमारा यह प्रयास रहता है कि न्यू लिटरेट्स को, जब वो न्यू लिटरेट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं तो उनको हम पांचवी क्लास की कक्षा में बिठाने का प्रयास करते हैं। गत वर्ष जो है 1400 बच्चे बैठे थे, इस वर्ष 1600 बच्चों का नामांकन पांचवी क्लास में हुआ है। ऐसे ही जेल में जो हमारा साक्षरता का कार्यक्रम चलता है तो पिछली बार 6 अंडर ट्रायल्स को 10th क्लास की परीक्षा दिलवाई थी और इस बार 5 अंडर ट्रायल्स के हमने 10वीं कक्षा के फॉर्म भरवाए। तो निरंतर प्रयास यही रहता है कि न्यू लिटरेट्स को छोड़ा नहीं जाए, उनको कंटिन्यूसली कक्षा में बैठाकर आगे की जो सीढ़ी है उसमें कैसे जोड़ा जाए, इसका प्रयास हम करते रहते हैं। महिलाएं एकत्र हो और संगीत ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? इन केंद्रों पर ढोलक, हारमोनियम इत्यादि जैसे वाद्य यंत्र जिला साक्षरता समिति उपलब्ध कराती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों का मनोरंजन करने के लिए भी समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े राजस्थान में महिलाएं और भी पिछड़ी रही हैं, लेकिन सदियों से उपेक्षित और प्रताड़ित ये महिलाएं अब उठने लगी हैं। सतत शिक्षा केंद्रों पर सबसे अधिक उपस्थिति एवं भागीदारी महिलाओं की है। इनके रोजमर्रा के जीवन में सुधार लाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राजस्थान के विभिन्न जिलों में जितने भी लोग नवसाक्षर हुए हैं उनमें लगभग 2/3 महिलाएं हैं। तो यह इस बात को दर्शाता है कि चाहे महिलाएं यहाँ की ऐतिहासिक सामाजिक भौगोलिक पृष्ठभूमि के कारण निश्चित रूप से अब तक शिक्षा से वंचित रहीं, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति भी कुछ इस प्रकार की है, कुछ विरासत इस प्रकार की रही कि महिलाओं को शिक्षित करने में विशेष प्रकार की योजनाएँ यहाँ पर रहीं। लेकिन अब जब हम देखते हैं, मुझे भी व्यक्तिगत अनुभव भी है और जो लोग सभी हमारे साथी लोग जो क्षेत्रों में जाते हैं उनका मानना यह है कि पिछले वर्षों में महिलाओं ने सर्वाधिक उत्साह और विशेष रूप से जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, इवन जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। शायद उनको ये लगने लगा कि अब तक जो उनको पीछे रखा गया तो उसका क्षतिपूर्ति करने के लिए अधिक उत्साह के साथ इस अभियान में हमारे यहाँ पर जुड़ी हैं पिछले वर्षों में। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि अब जो अगली जनगणना होगी उसमें राजस्थान में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत में अब तक की तुलना में बहुत अधिक प्रगति होगी और महिलाओं और पुरुषों की जो साक्षरता में अंतर रहा है उस अंतर को पाटने में हम काफी सफल होंगे। यहाँ उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ दी जाती हैं, बीमारियों और उनसे बचाव के बारे में बताया जाता है। महिलाओं को बच्चों की संख्या सीमित रखने के उपायों के संबंध में जानकारी भी दी जाती है। महिला विकास के इन कार्यक्रमों के अंतर्गत महिलाओं को एक कार्ड दिया जा रहा है। इस ममता कार्ड में गर्भावस्था से बच्चे के बड़े होने तक लगने वाले टीकों इत्यादि की सूचनाएं होती हैं। सतत शिक्षा का संदेश घर घर पहुंचाने, लोगों की आवश्यकताओं को समझने, उनको केंद्र तक आने के लिए प्रेरित करने, केंद्र को चलाने तथा कार्यक्रमों को लागू करने में केंद्र के स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रेरक की होती है। प्रेरक का चयन ग्राम साक्षरता समिति द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा द्वारा उसे प्रस्तावित करके और अप्रूव किया जाता है। ग्राम सेवा प्रेरक की जो सतत शिक्षा प्रेरक है उसकी क्वालिफिकेशन, अब जो नए चयन किए गए हैं उनकी सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए और महिला के लिए ये 8वीं पास होना चाहिए। इन्हें जो केंद्र पर कोई वेतन वगैरह नहीं दिया जाता है, केवल सुविधा भत्ता दिया जाता है जो लगभग 300 रुपये है और मकान जो अपना निजी भवन प्रयोग में लाता है तो उसके लिए 50 रुपये दिए जाते हैं और लाइट वाटर चार्जेज के लिए 50 रुपया दिया जाता है। इस प्रकार एक प्रेरक को केंद्र पर 400 रुपया दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 150 रुपया पत्र पत्रिकाओं के लिए दिया जाता है। एक बात यह आई थी, जाहिर है ऐसे अहम कार्यकर्ता के लिए कुशल प्रशिक्षण अनिवार्य है। जिला स्तर के कार्यकर्ताओं तथा विभागीय अधिकारियों से ग्राम स्तर तक के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में राज्य संसाधन केंद्र की एक बड़ी भूमिका है। प्रेरकों को ट्रेंड करते वक्त हम 3-4 बातों का तो ये ध्यान रखते हैं कि उनका स्तर कैसा है, उसके हिसाब से अपने भाषा शैली को हम नियोजित करते हैं। दूसरी बात है कि हम कार्यक्रम को रुचिशील बनाने के लिए उसमें जुड़े रहें, इसके लिए हम कुछ इंटरेक्शन मतलब एक प्रकार से अंतर्व्यवहार संवाद की स्थिति पैदा करते हैं। और तीसरा हम ये कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ प्रवृत्तियाँ चलें ताकि उसमें वो जुड़ करके आपस में संवाद करके उसके अंदर जुड़े। हम जो ध्यान देते हैं इस बात पे देते हैं कि वो केंद्र को कैसे संचालित करें अच्छे ढंग से कि उसका असर उन पे पड़े, निरक्षरों पे, अर्थशास्त्रों नवशास्त्रों के ऊपर, कि ताकि वो केंद्र से जुड़े और जुड़ने के साथ साथ उस केंद्र से लाभ उठाए।
सतत शिक्षा कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कई मामलों में भिन्न है। हम चाहे वो प्रशिक्षण की जो ओवरऑल प्रकृति है उसकी बात करें, उसमें साक्षरता कार्यक्रम में जो प्रशिक्षण उसके पाठ्यक्रमों की बात करें, तो सतत शिक्षा में जो पाठ्यक्रम है वो भिन्न है। यहाँ पे कार्यकर्ता भी भिन्न है और फोकस भी अंतर है। जो सतत शिक्षा में जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिला स्तर पर, वो होंगे संदर्भ व्यक्ति। संदर्भ व्यक्ति हमारे, उनको प्रशिक्षण हम राज्य संदर्भ केंद्र के द्वारा जिला साक्षरता समिति के सहकार से देते हैं। और फिर वो संदर्भ व्यक्ति क्षेत्र में, गांव में हमारे जो नोडल प्रेरक और प्रेरक हैं, जो हमारे सतत शिक्षा केंद्र के प्रभारी भी, उनको प्रशिक्षण देते हैं। तो ये द्विस्तरीय ये प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जाते हैं सतत शिक्षा में, जबकि साक्षरता अभियान में इससे भिन्न था। पिछले साक्षरता अभियान की ही तरह सतत शिक्षा कार्यक्रम के लिए आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा की गई है, लेकिन ये व्यवस्था एक निश्चित समय के लिए ही है। इस कार्यक्रम को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। जहाँ तक कुल धनराशि का सवाल है, वो तो भारत सरकार ने एक सीमा निर्धारित कर रखी है कि कितना पैसा किस केंद्र के लिए आएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन हम लोगों ने व्यवस्था ये की है कि जितना भी पैसा खर्च हो उस बारे में लोगों की शंकाएं न हो और पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए किया कि जो प्रति माह प्रत्येक जिला साक्षरता समिति एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित करती हैं, उसमें वो एक पूरा माह का हिसाब किताब भी प्रकाशित करती हैं, उन्हें कितना पैसा मिला, भारत सरकार से कितना पैसा मिला, उसमें कितनी राशि अब तक वो व्यय कर चुके हैं और किस किस काम पे व्यय किया है। ऐसा करने से लोगों को फिर ये बड़ी समझने में आसानी होती है कि जो कई बार जो मिथ्या धारणा है कि साहब अरबों रुपया खर्च हो रहा है, कहाँ जा रहा है नहीं पता, तो उसको भी दूर करने में मदद मिलती है कि कितना पैसा खर्च हुआ, किस किस काम पर खर्च हुआ, सभी को पता हो। जितनी जानकारी होगी उतनी ही एक दूसरे के प्रति अविश्वास कम होगा। एक और बात जो आवश्यक है यहाँ जानना कि जब तक सरकार का पैसा ही लगता रहेगा इस कार्यक्रम में, तब तक इसे लोग अपना कार्यक्रम नहीं समझेंगे। लोग इसे अपना कार्यक्रम समझें उसके लिए लोगों का पैसा भी इसमें लगना आवश्यक है। तो राजस्थान में कॉर्पस फंड, या जिसको कहें कि स्थानीय निधि इकट्ठी करने का, स्थायी निधि के रूप में एक प्रयास किया गया है, जहां लोगों ने प्रत्येक गांव में 10,000 से 20,000 रुपये इकट्ठे किए, उन्हीं के नाम पर वो एक FDR फिक्स डिपॉजिट बनाई गई, ताकि जब सरकारी पैसा मिलना बंद हो जाए 5 या 6 वर्षों के बाद, तो वो उस राशि के ब्याज से अपना केंद्र निरंतर चला सकें। प्रयास तो किए गए हैं और किए भी जा रहे हैं, इनके सकारात्मक नतीजे भी हासिल हुए हैं। सतत शिक्षा कार्यक्रम ने इस थोड़े से ही समय में आम लोगों की आंखों में जो चमक जगाई है, उनमें जो आत्मविश्वास पैदा किया है, वो इसकी उपलब्धियों की कहानी कहते हैं। मैं गरीब नवाज समिति में साक्षरता शिक्षा केंद्र चलाती हूँ वैसे तो अभी, लेकिन पहले मैंने 8वीं पास साक्षरता केंद्र से करी, शिक्षा केंद्र से पास करी थी, फिर बाद में मैडम ने मेरे को शिक्षा केंद्र दिया, वो मैं चलाती हूँ अभी खानपुरे के अंदर। और फिर मैंने उसी दौरान ही पढ़ाई करके अपनी और 10वीं की परीक्षा दी ओपन से, तो वो भी मैं पास हो गई गरीब नवाज समिति से ही, मैंने ओपन से मैडम ने करवाया और वो भी मैं पास हुई। आज मैं अपना साक्षरता केंद्र चला रही हूँ शिक्षा, क्योंकि मेरे को खुद को ये ओशन था कि मैं कुछ करूँ और कुछ पढ़ के आगे बढ़ूँ और कुछ करना चाह रही थी। छह से मेरी इच्छा थी कि मैं अध्यापक बनूँ। इतनी उदात, इतनी विस्तृत और इतने व्यापक उद्देश्यों को लेकर चलाए जाने वाले अभियानों की सफलता का अंदाज लोगों को आंकड़ों में बदल कर नहीं किया जा सकता। उपलब्धियों का आकलन आम लोगों की बदलती जिंदगियों से ही हो सकता है। अजमेर ने एक दिशा दिखाई है, एक नई दिशा। आशा की जा सकती है कि अजमेर के इस प्रयोग का उपयोग करके राजस्थान एक नई करवट लेने की ओर आगे बढ़ेगा। Thank you.
Thank you.